बीते बुधवार से गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को मनाए जाने के पीछे की क्या कहानी है और कैसे भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था? और उसके साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी भगवान गणेश के जयकारे लगाए जाते हैं तो गणपति बप्पा मोरिया ही क्यों कहा जाता है? आखिर गणपति बप्पा मोरिया बोलने के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती ने अपने शरीर से निकली मैल से गणेश जी की रचना की थी। जब देवी पार्वती स्नान करने गईं, तो देवी पार्वती ने गणेश जी को बाहर पहरा देने को कहा और कहा कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। और देवी पार्वती की आज्ञा को मानकर उनकी आज्ञा का पालन गणेश जी करने लगे। वहीं कुछ देर बाद भगवान शिव घर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें अज्ञात समझकर अंदर आने से रोक दिया। उस समय भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भगवान शिव गुस्से का घूंट पीकर वहां से चले गए। उसके बाद सभी देवगण और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सभी देवगण गणेश जी से हार गए। यह देखकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और अपने क्रोध से भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के माध्यम से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं और वहीं उन्होंने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। माता पार्वती का उग्र रूप देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सभी देवगण माता पार्वती को शांत करने का प्रयास करने लगे, लेकिन माता पार्वती ने अपने इस उग्र रूप से शांत रूप में आने के लिए एक शर्त रखी और कहा कि मुझे यह बच्चा पुनर्जीवित करके दे दीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बहुत अचंभे में पड़ गए और कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद उन्होंने सभी देवताओं को कहा कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उसके बच्चे का सिर काट कर ले आओ और इस बच्चे के धड़ से लगा दो। देवताओं ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई भी माँ अपने बच्चे की ओर पीठ की हुई नहीं दिखाई दी। अंत में उन्हें एक हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी और देवगण इस हथनी के बच्चे के सिर को काट कर ले आए, गणेश जी के मृत शरीर पर लगा दिया। उसके बाद भगवान शिव ने उस बच्चे के अंदर प्राण डालकर उसे पुनर्जीवित कर दिया और सभी देवताओं ने गजानन बालक को अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष कर सर्व प्रमुख उपासक होने का वरदान दिया और भगवान शिव ने कहा, गिरिजानंद, विघ्नों का नाश करने में आपका नाम। तो यह तो थी गणेश जी के जन्म की पूरी कहानी, जिसको हम सभी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। अब बात करेंगे गणपति बप्पा के साथ मोरिया शब्द कैसे जुड़ा। गणपति बप्पा मोरिया या उद्घोष बड़ा ही सर्व सुलभ एवं जन प्रचलित है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसमें मोरिया शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। दरअसल मोरिया कोसावी 14वीं शताब्दी के संत थे। वे भगवान गणेश के एकनिष्ठ एवं अनन्य भक्त थे। गोसावी का जन्म पुणे के पास मोर गांव में हुआ था। उन्होंने मोर गांव में ही तपस्या करके भगवान गणेश की पूजा की थी। मोरिया गोसावी के पुत्र चिंतामणि को भी गणेश का अवतार माना जाता है। मोरिया गोसावी ने संजीवन समाधि ग्रहण की। चिंचवड़ में आज भी मोरिया गोसावी की समाधि एवं उनके द्वारा स्थापित गणेश मंदिर है। उन्हें अष्ट विनायक यानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 8 गणेश मंदिर की यात्रा करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे ही महान एवं परम गणेश भक्त की अद्भुत भक्ति, समर्पण एवं तपस्या के कारण उनका नाम गणपति बप्पा से एकाकार होकर गणपति बप्पा मोरिया कहलाने लगा। तो श्री गणेश जी के जन्म की कहानी और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरिया।